नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बरेली में कबाड़ी की दुकान पर मिली कक्षा 6 और कक्षा 7-8 की यूपी बोर्ड की किताबें। सूचना पर खंड शिक्षा अधिकारी ने मारा छापा। मौके से भारी मात्रा में कक्षा 6 और कक्षा 7 की यूपी बोर्ड की किताबें बरामद की। शिकायत के बाद पुलिस ने कबाड़ी और ई रिक्शा को लिया हिरासत में। 2021-2022 के सिलेबस की हैं किताबें। फरीदपुर थाना क्षेत्र का है मामला। एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ ने बताया, थाना फरीदपुर के अंतर्गत बीएसए के यहाँ एक तहरीर दी गई थी। कबाड़ी की दुकान पर 200 से ज्यादा किताबें मिली हैं। किताबें कक्षा 6 और कक्षा 7-8 की यूपी बोर्ड की हैं। इसको लेकर थाना फरीदपुर में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। किताबों की जांच कराई जा रही है, उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। थाना फरीदपुर के अंतर्गत बीएसए के यहाँ से एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई है कि वहाँ पे एक कबाड़ी के पास से 200 से अधिक पुस्तिकाएं मिली हैं, जो 6ठी और 7वीं क्लास की हैं यूपी बोर्ड की। इसमें पुलिस की जो भी तहरीर दी गई है, उसके आधार पर कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत और धारा 403 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक नामजद जो कबाड़ी है उसके पास से और जो एक अज्ञात व्यक्ति है उसके ऊपर ये दर्ज किया गया है। और अभी इसमें पुलिस विवेचना कर रही है कि पुस्तकें असली हैं, नकली हैं, या इसमें कहाँ से पुस्तकें आई हैं, तो सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है और उसके आधार पर आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, क्या निकल के आ रहा है कि गैंग है या कहीं से जो बुकें आ रही हैं, जो लाके बेची जा रही हैं, नई किताबें और 21 और 22 का सिलेबस बताया जा रहा है? हाँ, इसमें जो पुस्तकें मिली हैं वो बोर्ड से संबंधित हैं और ये जो चीज़ें हैं विवेचना में अभी आगे आएंगी कि कहाँ से आई हैं, कौन इसको बना रहा था, क्या चीज़ें सही असली हैं, नकली हैं और कहाँ से आई हैं, वो सभी चीज़ों पर अभी छानबीन की जा रही है। कौन से बोर्ड की बताई जा रही है? ये यूपी बोर्ड की पुस्तकें हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।